नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में अपराध और अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। अपराध किसी भी क्षेत्र में हो उसे बख्शा नहीं जा रहा है। बड़े बड़े माफियों को सीएम योगी ने उनके सही ठिकाने तक पहुंचा दिया है। राज्य में अपराधी डरे हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला एक निजी अस्पताल का है। यहाँ पैसे के लालची अस्पताल प्रशासन ने मानवता को तार तार कर देने वाला कारनामा किया है। खबर यह है कि 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही अस्पताल वालों ने तय हुए पैसों से ज्यादा पैसों की मांग कर दी, तो बच्ची के पिता ने कहा कि उनके पास और देने के लिए और पैसे नहीं हैं। ऐसे में बेरहम अस्पताल वालों ने बच्ची को फटे पेट ही बाहर कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब योगी सरकार इस अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अमानवीयता का मामला सामने आया है। यहाँ इलाज के लिए पूरी रकम दे पाने में परिवार ने असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन टेबल से उसी हाल में वापस कर दिया गया। मासूम का पेट सिले बिना ही उसे बाहर कर दिया गया। जी हाँ, पैसों के बिना इलाज के अभाव में बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। बता दें, प्रयागराज के करेली इलाके के रहने वाले ब्रह्मादीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में प्रॉब्लम थी। माँ बाप ने इलाज के लिए प्रयागराज के धूमरगंज के रावतपुर में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती कराया। कुछ दिन बाद बच्ची के पेट का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद एक ऑपरेशन और हुआ। बच्ची के पिता के मुताबिक इस ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपये लेने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने 5 लाख की डिमांड की। जब रुपए नहीं दिए गए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने बच्ची सहित परिवार को बाहर भेज दिया और कहा कि अब इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर कई हॉस्पिटल तक गए, लेकिन सभी हॉस्पिटलों में बच्ची को लेने से मना कर दिया गया। कहा गया कि बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो नहीं बच पाएगी। बच्ची जिंदगी की जंग हार गई और उसने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का आरोप है कि डॉक्टर्स ने बच्ची के ऑपरेशन के बाद सिलाई टाका नहीं किया और परिवार को ऐसे ही सौंप दिया गया। इसी वजह से दूसरा हॉस्पिटल ने बच्ची को लेने से मना कर दिया। बाद में इलाज के अभाव में बच्ची दम तोड़ दिया। निराश पिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी की इलाज की गुहार लोगों से लगाई। वीडियो में पिता न्याय की गुहार लगाते हुए अपने बच्ची की सीजर का खुला हुआ पेट भी दिखा रहे हैं। वीडियो के पोस्ट के होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री पीएम से हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। घटना को गंभीरता से देखते हुए प्रयागराज के जिला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक जांच टीम बना दी है। बता दें, एडीएम सिटी और प्रयागराज CMO की संयुक्त टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। साथ ही DM ने यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलुओं की सही से जांच करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखते रहे वीके न्यूज़। शुक्रिया।